किसकी मजाल है कि जो छेड़ दे हम दिलेरों को और कभी कुल्फत अच्छा। घेर लेते हैं कुत्ते भी शेरों को। आप हमसे डिस्कशन करो, हम आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे या जितने लोग आके खिला दो। अब अगर वो जो है बेहोश होके ना गिर जाए तो गारंटी दिवाकर तिवारी की। सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहे हैं, कांग्रेस में कहीं जॉब नहीं मिली। राहुल गांधी में फर्क है क्या? आप बोलते हम नहीं देश चला पाएंगे, राहुल गांधी भी नहीं। करप्शन खत्म करने की गारंटी आप ले लोगे? प्रधानमंत्री की बनाने की गारंटी आप लोग? करप्शन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत होंगे, काफी अच्छे होंगे। दोस्तों आज की धमाकेदार जानदार वीडियो को सिर्फ आपने थोड़ा सा देखा है, अभी आपने कुछ भी नहीं देखा दोस्तों। अभी आगे जो देखने वाले हैं आप, तब आपको समझ में आने वाला है। तो चलिए ना टाइम ना वेस्ट करके सीधा मुद्दे पर ही आ जाते हैं और आज की पूरी वीडियो को सीधा लगाते हैं। गारंटी 2024 में बीजेपी की सरकार आ रही है, प्रचंड बहुमत से आ रही है, 400 से पार आ रही है, तो हम क्यों यहाँ पे अपने आपकी विचारधारा है, दूसरे की विचारधारा पूछूंगा, वो बोलेगा 400 से कांग्रेस आ रही है। अच्छा ठीक है, जो आदमी चुनाव लड़ता है ठीक है, अमेठी में एक साधारण सा कार्यकर्ता बीजेपी का उनकी विरासत की सीट को छीन लेता है, तो क्या वो आदमी उस आदमी के हाथ में देश दे दिया जाएगा? देश देने में क्या होता, किसी के हाथ में? आपके हाथ में दे देते? नहीं नहीं, आपके आप सक्षम नहीं है देश चलाने? हाथ में दे दें। आप सक्षम है कि नहीं? अगर आपको प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो आप सक्षम है? अच्छा नहीं, मैं नहीं हूँ। मैं सक्षम नहीं है? नहीं मैं नहीं हूँ। आप में कॉन्फिडेंस नहीं भाई? मैं हाँ जी, मैं उतना काबिल नहीं हूँ कि देश चलाया जा सके। अब सुनो मेरी बात, जो पढ़े लिखे लोगों की बात करते हैं, पढ़े लिखे लोगों की जो बात करते हैं कि राहुल गांधी बहुत पढ़े लिखे हैं, किसी बाप के तीन बेटे थे, उन्होंने कहा एक बेटा मेरा अमेरिका में है, बहुत बड़ा डॉक्टर है, दूसरा बोला बहुत बड़ा इंजीनियर है, बोला एक नाकारा है भैंचोद को, तो बोला क्या करता है वो जी? नहीं नहीं, वो उस अपने बेटे को गाली दी, अपने बेटे को गाली दी, बोला एक नाकारा है, बोला वो क्या है? बोला वो किसी स्टेट का सीएम है। तो भैया जो राजनीति में लोग हैं ना, उन अनपढ़ लोग ही, अनपढ़ लोग कैसे राजनीति कर रहे हैं ये समझ नहीं आया। पढ़े लिखे लोगों की केमिस्ट्री क्यों नहीं ये करती कि वो लोग पढ़े लिखे, राहुल गांधी को सब कहते हैं पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे हैं। आप में से अभी बहुत लोग, आप देश की जनता है, आप समझते हैं कि राहुल गांधी देश चलाने लायक नहीं है, लेकिन कांग्रेस तो उसी को बूस्ट कर रही है कि भाई यही है हमारा जो है, बेड़ा पार लगा है। देखो वो तो अब जिसके घर में, अगर जिसके घर में एक तमंचा है वो तमंचा ही तो दिखाएगा, जिसके घर में तोप है वो तोप दिखाएगा। अब तमंचे से ही आदमी टक्कर लेगा, उसमें क्या बात है? राहुल गांधी अगर उनके उनका कर्णधार है तो राहुल गांधी का। आप में राहुल गांधी में फर्क है क्या? आप बोलते हम नहीं देश चला पाएंगे, राहुल गांधी भी नहीं चला। हमने तो नहीं कहा, अभी तो कहा आपने। क्या भाई मैं क्यों देश चलाऊंगा? आप अगर देश चला सकते हैं, आप अगर देश चला सकते हैं तो चुनाव के मैदान में आइए। अगर आपको मैंने कहा आपको प्रधानमंत्री बना दिया, हाँ हाँ आपको बताया देश चला सकते हैं तो चुनाव में उतरिए। किसी भी आपको बोला कि क्या आपको प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो आप देश चला पाओगे? भाई मेरे को प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो मेरे अंदर वो कैपेसिटी नहीं है कि मैं देश चला पाऊँ। और मुझे बना दिया जाए तो मैं नायक का अनिल कपूर बन जाऊंगा। अच्छा अब ठीक है, पहले दो काम, 24 घंटे में पूरा देश पलट, पहले दो काम बताओ क्या करोगे? पहले दो काम, करप्शन सिस्टम से करप्शन खत्म, क्या पूरा देश अपने आप? करप्शन खत्म करने की गारंटी आप ले लोगे? प्रधानमंत्री की बनाने की गारंटी आप लोग? करप्शन की गारंटी हम नहीं बना दो आप मुझे भाई। 24 घंटे में अगर देश ने पलट दिया तो छोड़ दूंगा। देखो मेरे नाम पे कुत्ता पोस देना दिल्ली में। राहुल गांधी के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है जैसे मेरे अंदर नहीं है, उस ऐसे माना है कि राहुल गांधी देश नहीं चला सकते, मैं नहीं देश चला सकता, ऐसे ही इसी तरह से राहुल गांधी भी देश नहीं चला सकते। क्यों नहीं चला सकते, क्या दिक्कत है? दिमाग नहीं है क्या? हो सकता है उतना दिमाग ना हो। दिमाग नहीं यार, अगर होता उतना दिमाग तो मैं भी 4.5 लाख रुपए ले रहा होता ना भाई, मैं तो ऐसी तैसी कराता हूँ 50-55। गाय का गोबर उठाने वाली राबड़ी देवी बिहार की मुख्यमंत्री बन सकती है? आप जॉब करके आ रहे हो, आपने पिछले वीडियो में बोला था 65,000 सैलरी लेता हूँ, आप देश नहीं चला सकते? कमाल की बात है भाई यार, आपसे अच्छी है तो राबड़ी देवी देश चल, राबड़ी देवी तो है ही अच्छी। मैंने क्या बोला, मैंने अभी एक एग्जाम्पल दिया था, मैंने एक एग्जाम्पल दिया था कि जो जिस बाप ने बोला कि एक ही बंदा है मेरा बगैर पढ़ा लिखा, मेरा बेटा एक ही बगैर पढ़ा लिखा है, वो सीएम है। क्या सजेशन है आपकी? क्या सोच थोड़ी ऊंची रखिए। अगर आप ये अंबानी जी ये सोचता पहले अखबार बेचता था, ये सोचता सारी जिंदगी हमको अखबार बेचना, तो आज भी वो अखबार बेचता ना। रिलायंस कहाँ से? तो मैंने जियो कहाँ? मैंने तो ये नहीं कहा कि मैं सारी जिंदगी यही नौकरी करूंगा, मैं अपना स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ूंगा ना। जो आप रखिए प्रधानमंत्री बनने का, क्या आप भारत के नागरिक है भाई? आपको भी बनने का अधिकार, तो आपको भी अधिकार है। तो हम तो बोल रहे हैं कि 24 घंटे के लिए बनवा दीजिए भाई। 24 घंटे सपना है हमारा। क्या 24 घंटे के लिए कैसे बनवा दें? उस प्लेटफॉर्म पे आइए, उस प्लेटफॉर्म पे आइए, कहीं से चुनाव लड़िए, आओ कहीं। कौन सी पार्टी से लड़ू? किसी भी पार्टी से लड़ो, मुझे क्या पता कौन सी पार्टी। आप बताइए भाई, आप अगर आपके अंदर काबिलियत है, आप मेरे से बड़े ये आगे, अगर आपके अंदर काबिलियत है तो आप निर्दलीय जीत सकते हैं, किसी भी दल से मत लड़ना। निर्दलीय लड़ू? निर्दलीय तो प्रधानमंत्री नहीं बन पाऊंगा।
क्यों नहीं बन पाएंगे? एक सीट से काम पाएंगे क्यों नहीं बन पाएंगे? एक सीट से क्या आपके अंदर पावर हो तो आप अपना खुद का गठन करिए, खुद ही पार्टी बनाइए। कांग्रेस में जाऊंगा नहीं, अब बीजेपी में मोदी योगी जी छोड़ेंगे नहीं। अगर जाएगा आपके अंदर इतनी काबिलियत है तो अपनी पार्टी बनाइए भाई साहब। भाई साहब ने अभी बोला कि आप अपना किसी पार्टी से इलेक्शन लड़िए और अपनी क्वालिटी अपनी कैपेबिलिटी बताइए दिखाइए, सीट हासिल कीजिए तब प्रधानमंत्री बनिए, इन्होंने बोला। लेकिन हम बता रहे हैं किसकी मजाल है कि जो छेड़ दे हम दिलेरों को और कभी कुलफत में घेर लेते हैं कुत्ते भी शेरों को। कभी बढ़िया बोला। सुनो, और एक अर्थशास्त्री डॉक्टर नहीं डॉक्टर प्रोफेसर मार्शल का कथन है कि कभी कभी मार्केट में यह तो स्वाभाविक है कि अच्छी मुद्रा बुरी मुद्रा को चलन के बाहर कर देती है, लेकिन कभी कभी मार्केट में बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन के बाहर कर देती है। आप हमसे डिस्कशन करो, हम आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे, या जितने लोग हो। नहीं भी सक्षम नहीं है, राहुल गांधी भी देश के प्रधानमंत्री बनने लायक नहीं है और हम भी नहीं है, क्या आप है? सुनिए, प्रधानमंत्री बनना, हम एक चीज बता दें, हम उस काबिल नहीं है, हम अपने आप को काबिल नहीं समझते। अगर आपको बना दिया जाए तो देश चला लेंगे? हम अपने आप देश चला लेंगे। हाँ, क्यों नहीं चला लेंगे? क्यों नहीं चला लेंगे देश को? देश चलाने में है क्या? सुन लीजिए, मोदी जी विदेश में जाते हैं, हम आपसे पूछ रहे हैं क्या इंग्लिश से हिंदी, हिंदी से इंग्लिश कर देंगे क्या? मोदी जी कर देंगे? उनका सुनो, उनके उनके एक पीए जाती है साथ में, तो सबको जाता है, सबको जाता है। हाँ। तो हमें भी पीए मिलेगा, हम भी शासन चला लेंगे। हाँ। हमें पीए दीजिए, हम भी शासन चला देंगे। हाँ, हाँ। सुन लो, आई एम पोस्ट ग्रेजुएट एंड डीपीएड डिप्लोमा ऑफ फिजिकल एजुकेशन गवर्नमेंट कॉलेज रामपुर एंड 29 ईयर्स एक्सपीरियंस इन सिक्योरिटी एंड सेफ्टी, 1 ईयर्स डिप्लोमा इन दिल्ली गुरु तेग बहादुर। मैंने डबल डिप्लोमा होल्डर हूँ, ठीक है, और सिक्योरिटी की नौकरी करता हूँ, लेकिन इतना कॉन्फिडेंस रखता हूँ कि अगर हमें प्रधानमंत्री बना दो तो हम भी देश चला देंगे। और हमारा एक ही खाली उद्देश्य होगा, गरीबी, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और परिवहन, बस, और गरीबों का उत्थान होगा। लेकिन जितने ये बैठे हैं, हम ज़्यादा कुछ नहीं कहना, अपशब्द नहीं कहना चाहते, संकेतों में समझ लो कि जितने ये बैठे हैं, चाहे भाजपा सरकार हो, चाहे सपा सरकार हो, चाहे जदयू हो, चाहे एनसीपी हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, जितनी भी सरकार है अब तक जितनी सीट पे बैठी है, ठीक है, इनका इनका दिशा सही नहीं है। कांग्रेस वाले आपके रिश्तेदार है का? नहीं, हम कह रहे हैं उसका काम न, सुन लीजिए, कांग्रेस भी, कांग्रेस जितनी पार्टियां, हमने लास्ट में क्या बोला, कांग्रेस का नाम ही नहीं लिया, वही तो गुरु जी, हमने क्या बोला, जितनी भी पार्टियां भारत में, जितनी भी पार्टी, आपने नाम गिनवाया उसमें कांग्रेस को, हमने अतिरिक्त आप रिश्तेदार है कांग्रेस के? अरे हम कह रहे हैं, हमने अगर आगे याद ही लगा दिया, याद ही में सब आ जाते हैं, हमने नाम लिया या नहीं लिया, याद ही अगर लगा दिया, पहले कांग्रेस का नाम लेना चाहिए। हम बता रहे हैं जितनी सर जितने, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे जो भी पार्टी हो, है कि गरीबों को मिटाओ, गरीबी खत्म मत करो, गरीबों का उत्थान मत करो, गरीबों का उन्नयन मत करो, गरीब को आगे मत बढ़ाओ, इनको खत्म करो पटल से। मोदी सरकार 6,000 रुपए देती है, कितना राशन देती है कि, अरे सुनिए सही, 5 किलो अनाज हम मोदी को दे दे रहे हैं और महीने भर मोदी को यहाँ बैठा के खिला दो, अब अगर वो जो है बेहोश होके ना गिर जाए तो गारंटी दिवाकर तिवारी की। सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहे हैं, कांग्रेस में कहीं जॉब नहीं मिली क्या? किसको? कांग्रेस ने जॉब नहीं, ये जो सरकारें हैं, जितनी सरकारें हैं, ये महाचोर है। हाँ? आप जो बात कर रहे हो ना, और जो उसको मोदी की तुम्हें कुर्सी मिल गई, जब तुम वो नहीं करोगे, क्यों नहीं करोगे, नहीं करोगे आप? सुन लो, एक बरास निकाल ले, उस टाइम तुम्हारे दिमाग ऐसे पलटेगा, तुमने जो सोचा सब सब गया, नहीं, अरे रहने दो, नहीं ये कोई बात नहीं है, जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, तीन को जनता के बीच में क्यों नहीं आते, वहाँ सिक्योरिटी क्यों लगा देते हैं, जेड प्लस क्यों लगा देती है हमारे नेता? इंदिरा गांधी भी देश के हित में थी और देश के लिए बहुत काम किया, देश के लिए अपनी जान तक दे दिया उन्होंने, सुनिए सुनिए, लेकिन उनको भी सत्ता चाहिए थी तो इमरजेंसी लगवा दिया। अब हम आपको बता रहे हैं, सुन लीजिए, इंदिरा गांधी हो, चाहे नेहरू गांधी हो, चाहे मोदी हो, चाहे चंद्रशेखर हो, चाहे पीवी नरसिम्हा राव हो, चाहे एलडी देवगौड़ा हो, इन्होंने सही दिशा, राजनीति की सही दिशा और सही पटल और सही सिद्धांत, सही प्रोसीजर नहीं लागू किया, कुछ नहीं है, पर मोदी जी ने बहुत कुछ किया देश के लिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आज की वीडियो आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो, लगा हो कि हाँ वीडियो में कुछ बात थी, तो दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो जरूर फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो पता ही है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए।